है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और हमारे पास फाइल में जाके ओपन फोल्डर पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हम चले जाते हैं और अपना फोल्डर डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम चले गए CSS में और यहाँ पर हमने चले गए एप्पल सनशाइन में और यहाँ से सॉरी फायरवॉल नॉइस के अंदर, और इसमें जाने के बाद हमने सेलेक्ट फोल्डर कर दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, कंट्रोल W दबाया, कंट्रोल W से पहली फाइल्स को बंद कर दिया। यहाँ से हमने न्यू फाइल ली, कंट्रोल S करके सेव कर दी और उसका नाम रख रहे हैं क्लास वेब डॉट HTML। ये हमारी HTML की फाइल सेव हो गई। इसके बराबर में कंट्रोल N करके न्यू फाइल ले रहे हैं, उसका नाम रख रहे हैं CSS स्टाइल, ठीक है, या क्लास स्टाइल डॉट CSS की फाइल हमने इसमें क्रिएट कर दी और यहाँ पे ये फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई। अब इन दोनों को आपस में लिंक कर देते हैं। तो ये वेब पेज पर आ गए, यहाँ से शिफ्ट का साथ 1 का बटन दबाया, ये हमारा बुनियादी कोड हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं अप्लाइंग या अंडरस्टैंडिंग CSS क्लास एट्रीब्यूट RIBUT एट्रीब्यूट, और उस पर क्लिक करके यहाँ से नीचे आ गए। और यहाँ पर आके हमने पहले कुछ काम किया, तो यहाँ पे हमने कुछ H1 करके बनाया, यहाँ पे हमने लिखा सपोज टू बी एजुकेशन लिख दिया हमने यहाँ पे, या यहाँ हम लिख लेते हैं सोशल मीडिया, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं पैराग्राफ लॉरम ले लेते हैं हम, यहाँ पे हम ले लेते हैं H1 करके डिजिटल मार्केटिंग और पैराग्राफ, फिर लॉरम ले लेते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं H1 करके ऑनलाइन अर्निंग, यहाँ पे क्लिक करके लॉरम ले लेते हैं, फिर यहाँ से नीचे आ जाते हैं, फिर H1 करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं सपोज टू बी ई कॉमर्स, और यहाँ पे करके हमने कुछ इस तरह से बना लिए, ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ इसके बारे में डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। तो अब हमारा वेब पेज पर ये कैसा नज़र आने वाला, अभी तो ये बेसिक HTML का टैग है, तो ये कुछ इस तरह से नज़र आने वाला है, ठीक है, कॉन्टेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे क्लास को हम किस तरीके से और यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम प्रॉपरली अगर क्लास को डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो पहला मेथड क्लास को डिक्लेयर करने का ये है कि आप क्लास को किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के साथ डिक्लेयर करें, किसी भी एलिमेंट के साथ डिक्लेयर करें। अच्छा, उसके साथ डिक्लेयर करने से क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा? फ़ायदा ये होगा कि फिर वो क्लास उसी एलिमेंट के साथ इस्तेमाल हो सकेगी, दूसरा एलिमेंट में आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। चलें इस चीज़ को पहले करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हम एक क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं और उसको एसोसिएट कर रहे हैं पी, यानी कि पैराग्राफ एलिमेंट के साथ। मतलब एलिमेंट कोई भी हो सकता है HTML का, पी पैराग्राफ हो सकता है, बी हो सकता है, यू हो सकता है, आई हो सकता है, स्पैन हो सकता है, डिव हो सकता है, साइड हो सकता है, व्हाटएवर जो भी हो सकता है उसको हम यहाँ पे बता रहे हैं। और क्लास का नाम हमेशा याद रखें डॉट के साथ स्टार्ट होगा, यानी कि स्टार्ट विद डॉट, डॉट मैंने लगा दिया है। अब क्लास का नाम रख रहे हैं, सपोज इसका नाम रख रहे हैं चेंज, सपोज अभी इसका नाम रख रहे हैं फॉन्ट, और यहाँ से इसको इस तरह से बॉडी दे दी। क्लास का नाम है फॉन्ट और ये इसके साथ एसोसिएट किया गया है। अब फॉन्ट में हम जाके यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज की जो सॉरी फॉन्ट डैश फैमिली की प्रॉपर्टी को हम एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ से फॉन्ट डैश फैमिली की एक्टिव है, हमने यहाँ से फॉन्ट लिया सपोज टू बी ये जॉर्ज वाला, और फिर हमने यहाँ पे क्लिक करके इसके साथ साथ फॉन्ट के जो साइज है उसको भी थोड़ा डिक्लेयर कर दिया, 16 पिक्सल के ऊपर हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। तो ये दो प्रॉपर्टी हमने इस क्लास के साथ एसोसिएट करी, फॉन्ट और फॉन्ट क्लास को एसोसिएट कर दिया हमने पी के एलिमेंट के साथ। तो मैंने कहा कि भाई अगर ये जिस एलिमेंट के साथ है उसी में यूज हो सकेगा, दूसरे में नहीं होगा। चलें चेक करते हैं, हम पहले इस क्लास को यूज करते हैं H1 के साथ। तो ये ई कॉमर्स वाला H1 है, इसके साथ जाके अब देखें क्लास को डिफाइन करना मैंने बताया, क्लास को अप्लाई कैसे करते हैं वो देखें HTML में। क्लास का एट्रीब्यूट यूज करेंगे और उसमें जो क्लास का नाम है वो आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ पे देखते हैं ई कॉमर्स वाले में कोई चेंजेस पड़ रही है, तो यहाँ पर किसी किस्म की कोई चेंज हेडिंग में लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जाते हैं क्लिक करके यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको यहाँ पे ले जाके पैराग्राफ पे अप्लाई कर देते हैं। हाँ, यही तो करना था। तो देखें यही समझाना चाह रहा था कि जब हमने इसको यहाँ पे लगाया और रिफ्रेश किया तो देखिए इसमें कोई किसी किस्म की चेंजेस नहीं आई। वो चेंजेस यूं ही नहीं आई क्योंकि हमने इसको एसोसिएट किया हुआ पैराग्राफ के साथ। तो अगर अब इस क्लास को यहाँ से कट करेंगे और कट करने के बाद यहाँ पर जाके इसको असाइन करेंगे तो आप देखें इस पर पूरा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे भी सेव करें। अच्छा, तो शायद हम हाँ लिंक हमने नहीं किया, तो फाइल को देखें ऊपर लिंक नहीं किया हुआ। यहाँ पे जाके हम इसको लिंक कर देते हैं और यहाँ पे हमने उसका नाम रखा था सी क्लास स्टाइल, तो यहाँ पे लिखाया हमने क्लास
style.css और सेव करके रिफ्रेश किया, तो ये देखें इस पर तो इम्पैक्ट पड़ गया। लेकिन अगर वापस से एक दफ़ा फिर से रिव्यू कर लेते हैं उसके ऊपर हम जाके, यहाँ से जाके इस पर क्लिक करेंगे और देखें यहाँ पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखिए इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बल्कि मैं थोड़ा सा और देख रहे हैं। अच्छा, तो इससे ये पता चला कि इस तरह की क्लास जिस एलिमेंट के साथ एसोसिएट की जाएगी उस एलिमेंट पे कितनी ही बार उसको अप्लाई कर दें, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, वो सब पर एप्लीकेबल होगी, उसका इफेक्ट पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन सिर्फ नहीं पड़ेगा तो उस पर नहीं पड़ेगा जो वो एलिमेंट उससे एसोसिएट नहीं होगा। तो एक तो तरीका क्लास का बनाने का ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्लास बनाने का ये है कि अब आप क्लास को बिल्कुल फ्री, मतलब फ्रीडम के साथ क्लास बना दें। तो वो कैसे बनाएंगे? जैसे डॉट लगाएंगे तो एक नई क्लास का नाम आप रख सकते हैं। अब इस क्लास में आप क्या करने वाले हैं? इस क्लास में आप ये बता रहे हैं कि भाई मैं एक क्लास बना रहा हूँ जिसका नाम रख रहे हैं स्पेसिंग के नाम से। हमने क्लास बना ली और उसके एट्रीब्यूट्स लगा दिए, उसमें हम लेटर डैश स्पेसिंग की क्लास लगा के 3 पिक्सल का लेटर स्पेसिंग का हमने उसमें एक प्रॉपर्टी को पास किया है। ठीक है, अब इस क्लास, ये चूंकि फ्री क्लास है तो इसमें आप जहाँ चाहें इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ इस वाले पैराग्राफ पे, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा क्लास और एट्रीब्यूट के साथ क्लास का नाम लिख दिया, और मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ भी, H1 के साथ भी क्लास, और इसके ऊपर जाके मैंने इसका नाम लिख दिया। यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करने पे ये देखिए इस पर भी अप्लाई हो गया और ये इस पर भी अप्लाई हो गया। तो इस तरह की जो क्लास आप डिक्लेयर करेंगे तो वो तमाम एलिमेंट्स पर डायरेक्टली अप्लाई हो सकती है, मतलब जिस पे लगाएंगे उस पे अप्लाई हो जाएगा। अब आते हैं कि भाई मल्टीपल क्लासेस को कैसे एक एलिमेंट पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए इसका एक जवाब ये है कि हम यहाँ पर जो है मल्टीपल क्लासेस यूँ बना लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर डिसाइड किया कि एक क्लास बनाई हमने बोल्ड के नाम से और उस पर क्लिक कर दिया और फॉन्ट डैश वैट की प्रॉपर्टीज पर लगा के बोल्ड कर दिया। तो ये हमने जो क्लास थी इसके अंदर ये चीज़ डिफाइन कर दी। एक प्रॉपर्टी बना दी हमने अटैलिक के नाम से, तो अटैलिक के नाम से हमने बना दी और उसकी भी यहाँ पे लग के फॉन्ट डैश स्टाइल की प्रॉपर्टी में उसको ऑब्लिक पास कर दिया। ठीक है, फिर इस तरह से एक क्लास बना दी हमने चेंज केस के नाम से, तो उस पर क्लिक करके हमने फॉन्ट डैश वेरिएंट की प्रॉपर्टी के लगा के स्मॉल कैप्स की वैल्यू को असाइन कर दिया। ठीक है, तो ये चीज हमने कर दी। अब ये इतनी सारी क्यों क्लासेस बना दी, इसका फायदा क्या होगा अभी हम देखें, फायदा बताते हैं आपको। जैसे अब आपके पास जो वेब पेज है, यहाँ पर आ जाए, ये इस तरह से दिख रहा है। अब आप इस सेगमेंट को इटैलिक करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसके पैराग्राफ पे जाएंगे और इसके पैराग्राफ पे एक क्लास लगाएंगे, वो जो हमने बना रखी है स्पेलिंग सही होनी चाहिए, इटैलिक। तो देखें इटैलिक हो गया, सही। अब आप कह रहे हैं नहीं यार ये इटैलिक तो हो गया लेकिन इसको हमें जो बोल्ड भी करना है, तो यहाँ पे बोल्ड की क्लास लगा दी, बोल्ड भी हो गया, समझ रहे हैं? अच्छा, आपने कहा यार ये जो सोशल मीडिया लिखा हुआ है इसको चेंज केस पे करना है, तो आपने यहाँ पे लगाया क्लास और चेंज केस की क्लास आपने यहाँ पे टाइप कर दी, तो ये देखें अप्लाई हो गया। आपने कहा इसके साथ साथ यार ऐसा करो कि इसका जो ऑब्लिक भी हो जाए, तो मैंने कहा इटैलिक की क्लास यहाँ पे लगा दी। मतलब वो जो काम हमने पहले से करके रखा हुआ है अपने अपने हिसाब से, और वो हम जैसे जैसे लगाते जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ता जा रहा है, सही है। तो इसमें देखा आपने दो या दो से ज्यादा क्लासेस भी लगा सकते हैं, इटैलिक हो गया, बोल्ड हो गया, और कौन कौन सी क्लासेस हमने बना रखी है इसके अंदर, स्पेसिंग की क्लास बना रखी है। सपोज तो भी थोड़ा सा स्पेसिंग भी रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे जाके स्पेसिंग की क्लास को भी इस पर लगा दिया और उसको अप्लाई कर दिया, तो देखिए स्पेसिंग भी आ गई इसके अंदर, समझ में आ रही है? तो इस तरह से मल्टीपल क्लासेस को भी आप किसी एक एलिमेंट पर इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। देखें अप्लाई करने का तरीका नोट कर लें, आपने क्लास के नाम लिखने हैं और वो जो उसके अंदर जो भी कोड है, जो भी प्रॉपर्टीज है, वो उस एलिमेंट पर अप्लाई हो जाएंगी, सही है? ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं एक और टॉपिक की तरफ। मिसाल के तौर पे अब आप ये चाह रहे हैं कि नहीं यार मैं पहले से कुछ क्लासेस में बना के रख लूँ काम, जैसे आपने कहा कि मैं कोई डिज़ाइन बना के रख लूँ, मैं कोई फॉन्ट्स बना के रख लूँ, मैं कुछ इस तरह का काम कर लूँ, ये भी कर सकते हैं। जैसे मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ सर्किल, रेक्टेंगल और सिलेंडर्स बना के रख लूँ, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ नीचे आके क्लासेस बना दी। तो मैंने क्लास बना दी सर्किल, सर्किल के नाम से, और इसको यहाँ पर अप्लाई कर दिया। उसके बाद इस सर्किल की क्लास में मैंने इसकी विड्थ बताई, सपोज टू बी 75 पिक्सल, और इसकी हाइट भी बताई 75 पिक्सल, और यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर बता दिया सपोज टू बी, जो इसमें मुझे दिखना है ये वाला। और इसके बाद इसमें टेक्स्ट अलाइन की जो प्रॉपर्टी है उसको भी मैंने सेंटर कर दिया, और उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर बॉर्डर डैश रेडियस की जो क्लास है
उसको भी मैंने ले लिया और यहाँ से उसको 35-40 पिक्सल पे डाल दिया। ठीक है, ये मैंने एक क्लास बना दी। ओके, इसी तरह से मैंने इसी को यहाँ से लेके यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे क्लिक करके इसी क्लास को चेंज करके स्क्वायर नाम रख दिया और यहाँ पे 75-75 करके यहाँ रेडियस को हटा दिया और इसका कलर जो है यहाँ से चेंज करके मैंने कुछ इस टाइप का कलर रख लिया। फिर यहाँ से मैंने एक और क्लास बना दी और उसका नाम रख दिया सिलेंडर, CYLINDER सिलेंडर। और सिलेंडर रखने के बाद 75 पे मैंने इसको कम किया और इसको कर दिया मैंने 50 पिक्सल से बढ़ा के इसको 150 पिक्सल इसकी विड्थ कर दी, और जबकि हाइट इसकी कम करके मैंने 50 पिक्सल कर दी। और यहाँ पे रेडियस, रेडियस मैंने इसका 100 पिक्सल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि इस तरह की हमने कुछ क्लासेस बना ली। अब इन क्लासेस को अप्लाई कैसे करना है? भाई देखिए, इनको अप्लाई करना आसान है। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पर नीचे की तरफ पहले एक डिव बना दिया, उसके अंदर आपने यहाँ पे जो है एक लिख दिया सपोज टू बी स्पैन यूज कर लिया, और उसके अंदर आपने लिख दिया सपोज टू बी फेसबुक लिख दिया आपने उसपे। ठीक है, और ये इस तरह से दिखा दिया। अब यह फेसबुक आपने जो इसके अंदर लिखा है, या आपने जस्ट इसके अंदर FB लिख दिया, ये FB लिख दिया और यह लगा दिया। अब इसमें आपने क्लास यूज कर ली, क्लास, और यहाँ पे आपने एक सर्कल की क्लास को अप्लाई कर दिया। यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए अप्लाई हो गया उसके ऊपर। अच्छा, आपने क्या किया कि यहाँ से जो है कुछ उसकी मॉडिफिकेशंस कर ली। 75 पिक्सल्स आ रहा है इसके ऊपर, तो आपने इसको 100 पिक्सल कर दिया सर्किल की जो स्पेसिफिकेशंस थी। तो यहाँ पे देखिए, रिफ्रेश करेंगे तो इस तरह का बन रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर आप स्पेन यूज नहीं करते, और फिर स्पेन में क्या होता है कि ये इनलाइन एलिमेंट है, तो जितना बड़ा टेक्स्ट होगा उतना ही बड़ा एडजस्टमेंट करेगा। अब आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ से क्लिक करके इसको पेस्ट करते जाएं, तो ये सबके ऊपर इस तरह से अप्लाई कर देगा और ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है ना, सारी क्लासेस उसके ऊपर अप्लाई होती जा रही है। अच्छा, अब यहाँ पर आप बीच में कहते हैं कि नहीं यार, मुझे स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ स्क्वायर लिख दें तो यहाँ स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर आप लिखते हैं सिलेंडर, लिख दें CYLINDER सिलेंडर, तो ये सिलेंडर बन जाएगा। सिलेंडर की स्पेलिंग का थोड़ा सा इशू है, कॉपी कर लिया यहाँ से और यहाँ पे जाके हमने सिलेंडर कर दिया और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश कर दिया। सिलेंडर कलर इसका यही था क्या? कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये देखिए, इसका इस तरह से अप्लाई हो गया। तो इस तरह से चीजें इसके ऊपर चेंज होती चली जाएगी। अच्छा, अब आपने ये सारी क्लासेस देखी, इन सारी क्लासेस के साथ आप एक काम करना चाह रहे हैं कि इनमें मार्जिन्स भी देना चाह रहे हैं। अब ये कैसे देंगे? एक तरीका है तीनों में मार्जिन की अलग अलग प्रॉपर्टी लिख दें, और एक तरीका ये है कि तीनों क्लासेस में मार्जिन का फीचर ऐड कर दें। ये कैसे करेंगे? तीनों क्लासेस को लिख लें, सपोज टू बी आप यहाँ लिख रहे हैं डॉट सर्किल, डॉट मिला के डॉट दूसरी स्क्वायर, डॉट सिलेंडर, और इसकी आप बना दें ये प्रॉपर्टी। अब इनमें आप जैसे ही लिखेंगे मार्जिन, और यहाँ लिख रहे हैं आप मार्जिन डैश लेफ्ट, और यहाँ पे दे रहे हैं 5 पिक्सल, तो यहाँ रिफ्रेश करके जैसे आप देखेंगे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इसको भी सेव करके देखते हैं। अच्छा जी, इस प्रॉपर्टी का अकेला उठा के इस पर डाल के देखते हैं, इसमें इम्पैक्ट पड़ रहा है, लेकिन ये फीचर इस सब में ऐड नहीं हो पा रहा। दूसरा फीचर ऐड हो रहा है इसमें, अच्छा ये इसमें काम नहीं कर रहा है।